भाई उत्तर प्रदेश का स्टोरी टाइम। मैं रौनक हूँ। और मैं चंचल। और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। माय डियर चिल्ड्रेन, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ The great missile man, Sir A.P.J. Abdul Kalam. कलाम जी कहते थे, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो. Means, अगर तुम लाइफ में कुछ पाना चाहते हो, उस लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और उस लक्ष्य को तुम जरूर पालोगे. So let's listen to the story. Dream, dream, and dream high. Abhilasha and Santushti studied in the same class. One day, their teacher called all the students and asked them about their dreams. कि वो क्या बनना चाहते हैं? हर स्टूडेंट ने अपनी विश बताई. कोई कॉमेडियन बनना चाहता था, कोई आर्मी पर्सन, कोई राइटर. वहीं संतुष्टि टीचर बनना चाहती थी. बट व्हेन द टीचर आस्क्ड अभिलाषा, शी रिप्लाइड, मैम आई हैव नॉट डिसाइडेड इट येट. आई डोंट नो व्हाट टू से. आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड. द टीचर सेड, इट्स ओके. जो स्टूडेंट्स आज नहीं बता पा रहे हैं, they will think seriously over it and tell her tomorrow. अभिलाषा पूरे रास्ते यही सोचती रही कि उसे क्या बनना है. She was restless. She could not stop thinking about it. जब वह सोचते सोचते थक गई, तब उसने सोचा, What do I want to become? I can't think of any aspirations. Let me go out for a walk. Maybe then I could think of something. As she entered the garden, she saw a beautiful golden bird. Oh wow! A golden bird! I've seen it for the first time in this garden. But what is it doing? Paas jaake dekhti hoon. Are, ye to zameen pe gaddha kar rahi hai. अरे ये क्या, ये तो मुझे देखते ही उड़ गई. लेट मी गो एंड चेक व्हाट्स इनसाइड द पिट. अंदर झांक के देखती हूँ. यहाँ पे तो कुछ चमकता हुआ दिख रहा है. ओह, इट्स अ की, अ गोल्डन की. पर ये किसकी चाबी हो सकती है? आई डोंट सी एनीथिंग हियर. गोल्डन की मिलने के बाद अभिलाषा परेशान थी कि ये चाबी कहाँ की है और ये उस गार्डन में कैसे आई. पर धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और वो घर वापस आ गई. घर वापस आकर भी अभिलाषा की क्यूरियोसिटी कम नहीं हुई. उसके दिमाग में बस यही क्वेश्चन घूम रहा था कि ये गोल्डन की कहाँ की है और ये उस गार्डन में कैसे आई. ये की कहाँ की होगी? Who was that golden bird? I have never seen her before in the garden. Uff, aisa to main pagal ho jaungi. I must visit the garden again. Mujhe garden jaakar pata karna hoga. Abhilasha kisi bhi tarah apne dimag mein chal rahe questions ko solve karna chahti thi. Isliye woh fir se garden mein gayi. And there she saw, oh, what is this? The golden bird again. I think it wants to tell me something. I should better follow it. अरे ये तो दीवार पे जाके बैठ गई. कितनी लाइट आ रही है इसमें से. अभिलाषा, अभिलाषा, look, there is a door behind the creepers. ये आवाज कहाँ से आ रही है? अभिलाषा, मैं golden bird. Oh. तो ये गोल्डन बर्ड बोल रही है. There's a door behind these creepers. Let me go and check.
Oh, there's a handle of something. I got it. It's a door. Now I have to find the keyhole. Huh, mil gaya. Wow, what a beautiful world. Dear golden bird, it's so surprising. I hadn't thought about it. कि इस गार्डन में एक न्यू वर्ल्ड होगा. गोल्डन बर्ड, सी द फ्लावर्स आर टॉकिंग, दे आर सिंगिंग एंड डांसिंग टू. यस अभिलाषा, यू विल सी मेनी मोर वंडरफुल थिंग्स हियर. नाउ मूव अहेड. अभिलाषा ब्यूटीफुल फ्लावर्स को देखते देखते जैसे ही आगे बढ़ी, सडनली शी सॉ वन मोर डोर. उसने देखा कि इस डोर के जो कर्टन्स थे वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे क्लाउड्स के बने हुए हों. एंड द एंटायर हॉल वाज डेकोरेटेड विद ट्विंकलिंग स्टार्स. तभी उसने देखा कि कुछ लोग वहां पर पूरी लगन से अलग अलग तरह के काम करने में जुटे हुए थे. Who are these people and what are they doing? देखो वहाँ एक आदमी सफेद कोट पहनकर लोगों की मदद कर रहा है और ये मशीन में कुछ बना रहा है. And that man is running and running and running. Wow, that girl is aiming at the target so confidently. कितना बढ़िया निशाना है इसका. और ये बॉयज कितने अच्छे से मार्च कर रहे हैं. What is this place? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा. ये अभिलाषा, ये ड्रीम फैक्ट्री है. यहाँ ड्रीम्स बनते हैं. ड्रीम फैक्ट्री? यस, दिस इज द ड्रीम फैक्ट्री. देयर आर सो मेनी ड्रीम्स. यू कैन चूज वन ऑफ देम और पूरी मेहनत से जुट जाओ उसको पूरा करने में. राइट देन अ बिग शाइनी कार रन्स टुवर्ड्स अभिलाषा और वह कार अभिलाषा के पास से मुस्कुराती हुई गुजरती है. एंड इट विस्पर्स समथिंग इन अभिलाषास ईयर. ओ गोल्डन बर्ड, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी हियर. नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टू डू. एंड द नेक्स्ट डे इन द क्लास. सो अभिलाषा, what have you decided about your future? Yes ma'am, now I know what I have to do. Main apni khud ki ek car factory establish karungi. That's great. My best wishes are with you. After some time the bell rang and the teacher left the class. Tabhi Santushti Abhilasha ka mazak udate hue kehti hai, car factory? इसके पापा तो एक छोटे से कार मैकेनिक हैं और ये कार फैक्ट्री सेटअप करेंगी. Why are you laughing? क्या हुआ अगर मेरे पापा एक कार मैकेनिक है? I will work hard to fulfill my dreams. मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनूंगी और खुद की एक कार डिजाइन करूंगी. एंड आई एम डैम श्योर कि मैं एक कार फैक्ट्री जरूर ओन करूंगी. लेट्स सी, देखते हैं. ग्रेजुअली टाइम पास्ड एंड आफ्टर 20 इयर्स वन डे इन अ कार फैक्ट्री. कम कम चिल्ड्रन, टुडे वी विल विजिट अ कार फैक्ट्री. हम वहां देखेंगे कि कार कैसे बनती है. हेलो मैम, आई एम संतुष्टि. आई एम अ टीचर. मैं अपनी स्कूल के स्टूडेंट्स को आपकी फैक्ट्री की विजिट कराना चाहती हूँ. संतुष्टि, डिड यू नॉट रिकॉग्नाइज मी? तुमने मुझे नहीं पहचाना? आई एम योर फ्रेंड अभिलाषा. व्हाट अ बिग सरप्राइज अभिलाषा, व्हाट आर यू डूइंग हियर? आर यू एन एम्प्लॉय इन दिस फैक्ट्री? नो माय डियर फ्रेंड, यू नो I am the owner of this factory. Oh, Abhilasha, I just can't believe it. You did it.
तुमने कर दिखाया। आज तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। इफ यू डोंट ड्रीम बिग देन यू कांट डू समथिंग बिग। डियर चिल्ड्रन, दिस इज अभिलाषा, माय क्लासमेट। इसने जो सपना देखा था आज पूरा कर दिखाया। सो चिल्ड्रन, यू ऑल ड्रीम, ड्रीम एंड ड्रीम हाई। तो देखा बच्चों आपने, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। सपने देखो और खूब सपने देखो। अपने सपनों के आसमान में उड़ने के लिए हार्ड वर्क, अपनी मेहनत के पंख लगाओ और पालो उस आसमान को।